स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में बिगड़ गई है तारा की तबीयत। ऐसे में वंदना हो गई है बेचैन और आनन फानन में वो तारा को गोद में उठाकर निकल पड़ती है अस्पताल के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुणाल जो मौजूद नहीं है, और हो भी कैसे क्योंकि वो पहुँच गए हैं कोर्ट में अपने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए अपनी एक्स वाइफ के साथ। हालांकि तलाक देते वक्त वो हो रहे हैं इमोशनल भी। और सोनिया का डायवोर्स तो हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर हो गई है सिमी की एंट्री, जिसे लेकर आई हैं पम्मी बुआ, क्योंकि वो चाहती हैं कि सिमी और कुणाल की जोड़ी जमे। ऐसे में सिमी, जो कि है मॉडर्न ख्यालातों की, वो कुणाल के सामने वंदना की बुराइयां करने लगती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन वंदना भी किसी से कम नहीं। अपने बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा सुनने के बाद वंदना सुना देती है सिमी को। और जिनका दिमाग चुस्त दिल दुरुस्त ना हो वो बीमार। हमारे यहाँ एक और संस्कार भी है, अतिथि सत्कार। आप हमारे यहाँ के मेहमान, आपके लिए स्पेशली कुछ बनाया है। वंदना ने न सिर्फ उसे सबक सिखाया, बल्कि वो उसके लिए लेकर आई है देसी मूली के पराठे, वो भी दही और अचार के साथ, लेकिन इस अंदाज में पेश किया कि सिमी सुनकर हैरान रह गई और वहाँ बज उठी तालियाँ। ये देख सिमी को आ रहा है गुस्सा भी। सो फाइनली सिमी की एंट्री हो चुकी है शो में और काफ़ी कुछ धमाल और बवाल मचाने वाली है वो इस शो में। तो हम लोग कैफेटेरिया में बैठे हैं और मैं कुणाल को उसकी जो पीए है उसके लिए भड़काती हूँ। तो बेसिकली वो साड़ी पहनती है बड़ी लाइक बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप की, बहुत ही चीपस्टर टाइप के रहन सहन है। सो मैं उसको एक्चुअली नीचा दिखा रही हूँ कैफेटेरिया में, एंड जब मैं उसको नीचा दिखाती हूँ उसे बुरा लगता है। तो वो आके फिर मुझे एक बड़ा सा भाषण देती है कि ये होता है वो होता है, जो एक भारतीय नारियाँ हमेशा करती रहती है, फ्री का ज्ञान, जो उसने मुझे बहुत सारा दिया। बट इट वॉज़ गुड, फाइनली हमारा शूट कम्प्लीट हुआ, इट वॉज़ ग्रेट फन लविंग शूट। या सो आप सिमी कैरेक्टर देखिए ज़रूर, आपको बहुत 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 मज़ा आएगा। एक्चुअली बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होने वाले, क्योंकि पम्मी आंटी जो पम्मी बुआ है वो मुझे इंट्रोड्यूस कर रही हैं इस घर में, तो उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है इस मसले में। सो देयर विल बी अ लव ट्रायंगल स्टोरी, और ये पूरी जो स्टोरी क्रिएट की जा रही है वो हो ही इसलिए रही है ताकि सारी कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्रिएट हो पाए, काफ़ी कुछ मसाला और ड्रामा क्रिएट हो पाए। तो बेसिकली सिमी को लाया ही इसलिए गया है ताकि वो मिर्च मसाला और गरम मसाला डाल पाए। ऑनेस्टली मैंने ये शो एक दो एपिसोड्स ही देखे थे, मैंने ज़्यादा ये शो को फॉलो नहीं किया, बट जब मैं इस शो से ज्वाइन हुई आई रियली लव दिस कैरेक्टर, बिकॉज सिमी जो है वो काफ़ी कुछ उसमें वेटेज है, काफ़ी कुछ मज़ेदार है उस कैरेक्टर में। वो NRI गर्ल है, बाहर से आई है, और वो अपनी उसकी अपनी थॉट्स है, अपनी प्रोसेस है, वो अपनी दुनिया को अपने तरीके से देखती है और वो किसी की भी बातों में नहीं आती। तो टिपिकल जो ड्रामा स्टाइल है उससे कुछ चेंज आपको अब देखने को मिलेगा। एक्चुअली वंदना और सिमी का 36 का आंकड़ा ही है, वो लोग बहुत क्लियर हैं कि उन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती, बिकॉज एक मॉडर्न और एक ओल्ड स्कूल में हमेशा इट्स लाइक दिस। तो आप जब भी ये मानते हैं कि जब दो लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं तो दे स्टैंड टू देयर वर्ड्स, सिमी अपने बात पे अड़िक है, वंदना अपनी बात पे है, तो वो अपने इंडियन ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, यही सिमी अपने मॉडर्न थॉट्स और अपने इंग्लिश लोग, अपने आउटफिट्स, अपनी इन सब चीज़ों को फॉलो करती है।
हम तो अपने शो सास बहू और बेटिया में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट और रखते हैं आपको अप टू डेट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।